जी नमस्कार साथियों, यह हम सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ संतोषप्रद है कि आप लोग मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र को पसंद कर रहे हैं। किसी भी एकाग्र में वह रचनाकार खास तौर से उभर कर हमारे सामने आता है। अलग अलग अवधि में लिखी उसकी रचनाओं पर बातचीत की जाती है। साथ ही वह पूरा दौर भी कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रकट होता है। यही इस एकाग्र की और इसके पीछे की संकल्पना की खासियत है, क्योंकि एक व्यक्ति पर बात करते हुए यह बहुत आवश्यक है कि उसकी पूरी पीढ़ी पर बातचीत की जाए और उस रचनाकार और उसकी रचनाओं से जुड़े कई कई लोगों की राय ली जाए। हम जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से यही कोशिश करते हैं। अगर किसी रचना पर कोई धारावाहिक बना हो, कोई फिल्म बनी हो, तो उससे जुड़े हुए लोग भी आएं और अपनी बात करें। मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र में कुछ नाट्य निर्देशक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यह हमारे लिए खुशी की बात है। आज यह जो एकाग्र चल रहा है, इसकी पांचवी कड़ी लेकर हम आप सभी के बीच में हैं और इसमें हमारे साथ लेखक संपादक दिनेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही मूल्यवान बातचीत आज होगी। साथ ही मंजुल भगत जी के बहाने कुछ एक कृतियों की ओर भी हम चलेंगे। यह जो हमारे आसपास के लोग हैं, घर में, घर से बाहर, पड़ोस में, समाज में, वे कैसे हमारी रचनाओं में आते हैं, आज हम इसको भी देखेंगे। तो मैं सब कुछ अपनी ओर से कह दूं, यह उचित नहीं होगा। तो सीधे हम दिनेश द्विवेदी जी के पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। जी दिनेश जी, स्वागत, नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आज मंजुल भगत जी के जी के ऊपर ऊपर मैं मैं चंद चंद शब्द शब्द कहने जा कहने रहा जा रहा हूँ। हूँ। मंजुल भगत हिंदी साहित्य जगत की विख्यात, ख्याति प्राप्त, सुप्रसिद्ध लेखिका तो थीं ही, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात उनमें ये थी कि वो बहुत ही, वो सिर्फ जिस्म से ही खूबसूरत नहीं थी, उनका मन भी उतना ही खूबसूरत था। मेरे उनके संबंध सबसे पहली बार मैं उनसे 1982 में मिला था। उसके बाद से मृत्यु पर्यंत मेरे उनके रिश्ते बने रहे। उनकी जो किताबें आती नहीं, कहानियाँ आती नहीं, मैं लगातार उनका पाठक रहा। और जब भी मेरा दिल्ली जाना होता था, मैं अवश्य उनसे मिलने जाता था। और वो इतनी मेहमान नवाज थीं, एक मेज़बान की हैसियत से वो बहुत ही खातिर तवज्जो करती थीं, और स्नेह भी मुझको एक छोटे भाई के समान ही देती थीं। मैं पुनश्च पत्रिका निकाला करता था, उसमें सबसे पहली बार जब मैंने महिला कथाकार विशेषांक निकाला था, तो उसमें उन्होंने अपनी कहानी बहुत ही आत्मीयता के साथ मुझे भेजी थी। पहली बार मैंने समझना उनकी कहानी अपनी पत्रिका पुनश्च में 25 महिला लेखिकाओं के साथ उनकी कहानी को भी शामिल किया था। मंजुल भगत की कहानियों में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद रही सफल पुरुष, लंगड़ी बतकें, रौनक, मलबा उपन्यास क्या में तिरछी बौछार,
और भी उनकी खातुल ये सभी मैंने पढ़ी हुई हैं। तिरछी बौछार की एक बात मुझे बहुत ही पसंद आई, इसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि उन्होंने कहा फ्लैप मैटर पे लिखा हुआ है कि मेरी नायिका अपनी अस्मिता की तलाश में घर छोड़कर बाहर नहीं जाती, वो अपने घर में ही अपनी अस्मिता की तलाश करती है, वो विद्रोह नहीं करती, वो अपनी अस्मिता खुद ही अपने आप कायम करती है, खुद ही बनाती है। ये बहुत ही मायने खेज बात थी। खैर मंजुल, मैं उन्हें मंजुल दी कहता था, उम्र में बड़ी थी मुझसे। मंजुल दी की एक जो सबसे बड़ा एक बहुत ही जिसको मैं कहना चाहूँगा कि जिससे मैंने सबक लिया, एक घटना मुझे याद है। एक बार क्या हुआ, लगभग 1986-87 का वाक़या होगा, मैं सादतपुर में रुका हुआ था अपनी बहन के यहाँ। वहाँ से ये तय हुआ कि मैं उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने ऐसी जगह, हम दोनों ने मिलकर तय किया कि ऐसे स्थान पर पहुँचें, आधी दूरी मैं तय करूँ और आधी दूरी वो तय करें। तो तय हुआ कि हिमाचल भवन में हम दोनों मिलेंगे, संयोग कहूँ या दुर्योग। उसी जिस दिन हमारा दूसरे दिन मिलना तय था, उसी दिन की मेरी ट्रेन थी इटारसी वापस आने की। और मैं अच्छा, फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी कि मैं उन्हें फ़ोन करके कहता, और दूसरे कस्बाई मानसिकता के चलते शायद मेरी आदत भी थी कि मैंने कहा चलो ठीक है ना सही, उसके मैं बिना उनको कोई इत्तला किए इटारसी वापस आ गया। उस समय फ़ोन की सुविधाएं इतनी नहीं हुआ करती थी, लैंडलाइन थी, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो उन्होंने उनका एक ख़त मिला मुझे लगभग हफ्ते भर बाद, उसमें उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक मुझसे कहा था कि दिनेश क्या कारण था कि तुम नहीं आए। मैं वहाँ बैठी इंतज़ार करती रही 1 घंटे। इसी बीच में लेखक उपन्यासकार निर्मल वर्मा जी उनके पास से निकले होंगे, उन्होंने पूछा कि किसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो उनका मैं दिनेश का इंतज़ार कर रही हूँ, इटारसी से आए हैं वो और मैं उनसे मिलूँगी। उन्होंने कहा था आधा रास्ता आप तय करिए आधा मैं तय करूँगा। तो निर्मल जी ने उनको कहा कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ग्वालियर में मिलने का कहा था, क्योंकि आधा रास्ता दिल्ली से और आधा इटारसी से ग्वालियर ही बनता है। और फिर उन्होंने कहा था जरूर कोई तुम पे अचानक जाना पड़ा, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई थी। मैं उसके बाद बहुत ही पानी पानी हो गया, मुझे लगा कि वाकई में इतनी मुझे उनको इत्तला करना थी, सूचना देना थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद से मेरी एक आदत में उसी समय से मैंने अपने आप में एक सुधार किया कि मैं समय की पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी पर बहुत ही ध्यान रखता हूँ। लेकिन उसका वाइज बनी ये मंजुल दी के साथ घटी हुई घटना। बहरहाल दोस्तों आज वो नहीं है, लेकिन वो अपने साहित्य के साथ मौजूद हैं, मेरी स्मृतियों में मौजूद हैं, यादों में मौजूद हैं। उनके बारे में कहने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनकी साहित्यिक कृतियों पर बोलने की अपेक्षा मैंने मृदुला गर्ग जी से उनके उपन्यास मिलजुल मन के 12वें परिच्छेद जो है, अध्याय है, उसको पढ़ने की परमिशन ले ली है। उसमें जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम इस बात से वाबस्ता है कि वो जो घटना इसमें शामिल है वो मंजुल भगत जी की सत्य घटना ही है, जिसको कि मृदुला जी ने अपने उपन्यास में शामिल किया है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं उसको आपके सामने पढ़ के सुनाऊँ। बैजनाथ जैन के मकान हासिल करने के चक्कर में क्या फंसी, दिमाग में खलिश पैदा कर रही बात मुलतवी हो रही है। जब मोगरा मिरांडा हाउस की यादों के गुल के बयान को तरतीम दे रही थी, तभी एक सवाल मुझे तंग करने लगा था। गुल ने साहित्य को जीवन के समकक्ष कैसे कहा, लिखती मैं भी हूँ, 20 बरस की उम्र में शुरू कर दिया था, जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, कभी रोज़मर्रा की जिंदगी की आम पर टाली ना जा सकने वाली ज़रूरियात, कलम पर रोक लगा गई तो कभी कलम ने ऐसा जकड़ा कि जिंदगी रुसवा हो रही। 2 नावों में सवारी का मंजर रहा, जो डूबती दिखी उसी का पानी उलीझते नजर आए, पर कसम कलम कागज की, साहित्य और जीवन कभी जो सम पर आए हो।
जिंदगी कभी पुरलुत्फ नजर आई, कभी गमगीन, पर उसकी जंजीरों की जकड़ अदब के कच्चे धागों की गिरफ्त से अलग रही। फिर गुलमोहर ने उन्हें एक दूसरे के समकक्ष कैसे पाया? उसने तो 32 की उम्र में जाकर लिखना शुरू किया, जब जिंदगी सौ सौ नज़ारे दिखला चुकी थी। उसमें उगे कांटों को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखने की जिद ने तो साहित्य को गले का हार नहीं बनाया। मोगरा ने उस पर कुछ नहीं कहा, मैं जवाब तलाश कर रही हूँ, मिलेगा ज़रूर, बहुत कुछ है जो उसकी ज़िंदगी के पन्नों से निकल दिमाग पर दस्तक दे रहा है। मेरी निस्बत, गुलमोहर ने लिखना काफ़ी देर से शुरू किया, मोहब्बत, शादी, बच्चों की पैदाइश के बाद जिंदगी के तंबू में कहीं दरार जरूर रही होगी जो साहित्य नाम का ऊंट गर्दन भीतर डाल पाया। जिंदगी को बाहर खदेड़ रफ्ता रफ्ता तंबू हथियाने की कोशिश की होगी, पर जिंदगी से मात खाता गया होगा। जिंदगी ने मेहमान मान अपना हिस्सा खातिरदारी में परोसा होगा, यह मानना मुमकिन नहीं। हाँ, इतना माना जा सकता है कि अदब और जिंदगी आपसी हमलों के बावजूद एक दूसरे के पास बैठे रहे होंगे। इससे ज़्यादा मानना चाहूँ तो एक वाक्या याद आ जाता है बहुत बात का और कानों सुना आँखों देखा नहीं। उस शाम में मोगरा के घर गई हुई थी, 7 बजे से घर लौटने का मन बना रही थी, पर बारिश की झड़ी ऐसी लगी थी कि उठ उठ कर बैठना पड़ रहा था। यूँ रात 9 बजने को आए, दिल्ली की बरसात बरसती है तो एक मुश्त जैसे चेहरा पूंजी से होड़ ले रही हो, घंटे दो घंटे के भीतर तमाम शुद्ध वापस, उमस घुमस ऐसी कि लगे अभी बरसा नहीं बरसने को है, फिर धूप की चकाचौंध हावी कि लगे न पहले बारिश हुई न आगे होगी। पर घंटे दो घंटे का वह वक्ती चेहरा पूंजी बाहर निकलने के हौसले पस्त करने को काफ़ी होता है। एक खासियत और है, दिल्ली की सड़कें तेज़ धूप झेलने को बनी हैं, बरसात वक्त पर हो या बेवक्त एक मार में उन्हें फंदा दरिया बना देती है। इसलिए हाथ के नीचे मोटर गाड़ी होते हुए भी बारिश की धार धीमी पड़ने के इंतज़ार में हाथ डाले बैठी थी। तभी मोगरा के पास शमित का फ़ोन आया, पूछ रहा था गुल को घर कब छुड़वाओगी। मोगरा चौंकी, गुल यहाँ कहाँ है? गुल कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ छूटे उससे? मैं भला कहाँ छूटता, घर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई, वापस नहीं आई तो सोचा तुम्हारे पास गई होगी, बारिश काफ़ी हुई शायद सारी शाम, तुम गाड़ी से छुड़वा रही हो ना। मोगरा घबरा गई, बोली यहाँ हो तब ना छुड़वाऊँ, घर से निकली कब थी? शाम 4 बजे। मेरे घर की कहकर चली थी, कुछ कहा नहीं बस निकल गई। रोज़ सैर को जाती है ना इस वक्त, इसलिए आपने पूछा ना होगा कहाँ जा रही है। बारिश में नहीं जाती, मैं पूछने जा रहा था पर मैं बात के बीच में निकल गई। कहाँ गई होगी? ऐसा करें, बात पूरी होने से पहले फ़ोन कट गया। मोगरा और मैं ताबड़तोड़ हर मुमकिन गैर मुमकिन दोस्त के अड्डे पर फ़ोन मिला उसे तलाशने लगे। बीच बीच में मैं कहती रही, अजीब आदमी है तुम्हारा जीजा शमित, कहाँ जा रही हो, पूछने में कितनी देर लगती है। बीवी बीच जुमले निकल ली। फ़ोन के चौंगे को उठा पटक के बीच उसने बेसाख्ता कहा, मुंह में पान ठुसा होगा, अजीब आदमी है। मैंने दोहराया तो उसे बेख्याली में बोली, इसमें अजीब क्या है, सभी पति यही करते हैं, तुम्हारे भी? हाँ, पवन को तो पता ही नहीं चलता मैं घर पर हूँ कि नहीं, जब तक दरवाजे की घंटी बजती ना जाए और कोई दरवाज़ा खोलने ना आए। क्या राहत अफजा जिंदगी है, मैंने कहा तो हाथ रोक कर बोली, उससे तो अच्छा है ना कि घर से निकलो तो पति 10 सवाल पूछे और लौटो तो 20। पर यह वक्त बहस का है क्या, मैं फिक्र से मरी जा रही हूँ, तुम्हें फलसफा सूझ रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हुआ हो। नहीं नहीं, कह मैं अस्पतालों के नंबर इकट्ठा करने में जुटी। तभी फोन बजा, मैंने झपट लिया, शमित था। बोला, मैंने पुलिस को फोन किया था। SHO हंसकर बोला, बीबी गुम गई, संभालने की तमीज ना हो तो गुमेगी ही, रोज गुमती हैं बीसियों, लौट आएगी कुछ देर में, जाएगी कहाँ। ठीक तो कह रहा था, मेरे मुंह से निकला, कौन? मोगरा नहीं हो सकती आप, इससे पहले मैं कुछ तुर्श कहती मोगरा ने फोन ले लिया। पुचकार कर बोली, मैं करती हूँ पुलिस को फोन, पति करे तो सोचते हैं घरेलू लड़ाई का मामला होगा। शमित रो दिया, मुझे लड़ते सुना कभी तुमने? दोपहर का खाना निपटाकर बेडरूम में आराम कर रहे थे कि कितने बजे निपटा खाना? 3 बजे।
रोगन जोश और खमीरी रोटी, वाह, खाकर आँख ना लगे तो क्या हो। गुलफिर जामा मस्जिद गई होगी रिक्शा लेकर, बल्ली मारान, सुई वालान और जाने किस किस गली में, आपकी पसंद का तर माल चुन दस्तरखान सजाने। अब मोगरा का सुर तेज और तुर्श था, आह चितली कबर की गली के जाए का एकदम अलग है। डॉक्टर ने मना किया है ना इस तरह भटकने को, क्यों जाने देते हैं आप, कमाल है। बल्ली मारान से कब की लौट ली, उसे क्यों रो रही हो, गायब घर जाने आने के बाद हुई। खटपट से आँख खुली, देखा सज धज कर बाहर जा रही है। जब तक तो कुछ पूछूं यह जा वह जा, जरूर इसमें कोई गहरा राज है। कल ही मैंने टीवी पर देखा था, चुप रहेंगे आप, मैं देखती हूँ। देखना क्या था, वही इधर उधर फोन लगाना। इस बीच मोगरा पति के पवन तशरीफ ले आए। पुलिस, दोस्त, लेखक बिरादरी, पवन सब एक सुर में दोहराते रहे, लड़ाई झगड़े के बाद पिक्चर हॉल में जा बैठी होंगी, बारिश में ट्रैफिक में फंस गई होंगी, धीरज रखो लौट आएंगी। पवन खा पी कर सोने चले गए, जल्दी सोते थे। मैंने कहा एक दिन बंदा देर से भी सो सकता है, पर मोगरा ने लाजवाब दलील दी, पलंग पर ना सोते तो सोफे पर ऊँगते हमारा क्या फ़ायदा होता। वाह, खुदा के फजल से मैं अनब्याही थी। यूं दस बज लिए, इस बार फोन बजा तो घंटी ज़्यादा तेज थी या सन्नाटे में मालूम पड़ी। मोगरा बाजी मार गई, शमित की आवाज़ इतनी ऊँची थी कि मुझे भी सुनाई पड़ी। लो अपनी बहन से बात करो, कहाँ चली गई थी। मोगरा ने इतना भर कहा कि उधर से लफाज आबशार फूट पड़ा, क्या कोहराम मचा रखा है तुम लोगों ने, मुझे कोई उठा ले गया क्या, उठा ले भी जाता तो दवाइयाँ खाने की बेला वापस पहुँचा जाता, कहाँ कहाँ से इकट्ठा करता फिरता प्रिस्क्रिप्शन। अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से लौट आई, क्या पहाड़ टूट पड़ा। लाकर रख गई थी शामी और सीख कबाब, कबाब तंदूरी रोटी बाकर खानी भी तेरे जीजा जी के लिए, जी में अब तक नहीं, मार धमाल मचा रहे, आई हूँ तब गए हैं गर्म करने। हाँ हाँ पापड़ है वहाँ ऊपर वाले खाने में, बारिश में नम तो होंगे ही, सैकड़ों करारे हो जाएंगे। ठीक है तेल में भून दूंगी, अभी आई बाद में बात करती हूँ। फोन काट, गुल चल दी, हम उजबक से बैठा किए। अंधेरी गलियों में गाड़ी सरकाती मैं अपने बिन ब्याहे घर को पलट ली, एंटी क्लाइमैक्स का भाव लिए। ब्याह में कुछ सनसनी थी जरूर, दोस्त नाम से पुकारे जाने वाले महबूब से अलग, अपने अपने घर में खाने पकाने में वह थ्रिल कहाँ, जो पापड़ भुना जाए या तला जाए का अहम मसला तय करने में है। रोज दर रोज बीवी गुम हो चाहे नहीं, गुम होना और वापस आना तिलिस्म बने चाहे नहीं, बाद में पता चला उस शाम गुम होने में तिलिस्म कोई था ही नहीं। अगली सुबह पुलिस, दोस्त, लेखक वगैरह को फ़ोन करने और अपने पशेमा होने का रोना रो, बिना बतलाए घर से जाने और देर रात लौटने पर मोगरा ने गुल को शर्मिंदा करने की कोशिश की तो करारी फटकार सुनी। अजब बांगड़ूस लोग हो, अखबार वखबार पढ़ते हो कि नहीं, क्यों तेरे फरार होने की खबर अखबार में छपी थी, ज़्यादा होशियार मत बन, फिल्मों के इश्तहार देखती है, कभी नाटकों के भी देख लिया कर। वाह तुझसे नाटक देखती रही हूँ, अभिनय भी कर चुकी हूँ कुछ में, ठीक है अभिनय मैंने भी किया था रेडियो नाटकों में, कोई बड़ी बात नहीं है, 200 रुपये पकड़ा देते थे कुल जमा। जी हाँ आपके लिए अभिनय क्या बड़ी बात है, जिंदगी में हर पल किया करती है। शेक्सपियर की टांग मत तोड़, क्लीशे बन लिया अब तलक जुमला। छोड़ यार तेरा आशिक कौन है सो बतला, जानती नहीं मेरा आशिक कौन है, हे भगवान फिर वही मुर्गे की टांग। समित को छोड़ परे, कल किसके साथ नाटक कर रही थी सो बतला, बस एक लफ्ज और नहीं, सारा दिन मियाँ के लिए खाना बनाती रहती है, अखबार तो पढ़ लिया कर, कौन से नाटक खेले जा रहे हैं शहर में इतनी जानकारी तो हो। तब जाकर मोगरा के दिमाग की घंटी बजी, बोली टेनिस विलियम्स का नाटक था कल, और क्या द ग्लास मैनेजरी, तू अकेले देखने गई थी तो क्या इन्हें लेकर जाती, मुझसे कह सकती थी, क्यों अकेले नहीं जा सकती, सुबह ही तय कर लिया था, परहेजी खाना खा, तमाम दवाइयाँ निकली, जामा मस्जिद जाकर शमित की पसंद का दस्तरखान जुटाया, अपने लिए 2 अदद शीरमाल, श्रीराम सेंटर फ़ोन करके एक टिकट बुक करवाया और उनके उनींदे रहते फुर्रोली, इतनी तेज़ बारिश में गत्ते की थी जो गल जाती, छतरी थी ना, तिपैया लिया और पहुँच ली। वापसी में नामुरादों ने मॉल रोड का नाम सुन ऐसे मुँह बिचकाए जैसे तिहाड़ जेल में भर्ती करवाने ले जा रही हूँ। तंग आकर का चलिए भाई साहब वहीं चलती हूँ जहाँ आप जा रहे हैं, भाभी जी की मेहमान नवाजी का सुख भोगूंगी, सुबह आप घर पहुँचा दीजिएगा, नाव भाभी जी को भी साथ ले लेंगे घर देख लेंगे। तब जाकर एक ड्राइवर शर्मसार हुआ और घर तक आया,
डर नहीं लगा? किस बात का? मार घूर कर गेर देता, 10 रुपए ली थे कुल पर्स में, उल्टा कर दिखला दिया था भाई साहब को। ठीक नहीं किया तूने बेवकूफ, जानती नहीं टेनिस से विलियम्स कितना पसंद है मुझे। मजे की बात सुन, इस किस्से में नई कहानी दिमाग में मुकम्मल हो ली, कागज पर उतर भी आती अगर तुम अकल के अंधों ने इतना बवाल ना खड़ा किया होता। सुबह सुबह देखा मॉल रोड थाने का इंस्पेक्टर चला आ रहा है कि जी कल सुना कुछ हादसा हो गया था तो आपके दर्शनों को चला आया, पति आपके बहुत घबरा गए थे। पीते पीते हैं क्या? मैंने कहा पिए आपके दुश्मन भाई साहब, हमारे ये तो छूते तक नहीं, यह मेरे लिखने का वक्त है। आपको प्रेमचंद की कलम, आपको प्रेमचंद की कसम, अदब का वक्त जाया ना करें। एक मिनट, कसम प्रेमचंद की क्यों खाई? हम सब बारिश हैं ना उनके, इतना नहीं जानती? बंदा कुलजाम 12वीं पास होगा, कोर्स में प्रेमचंद के अलावा कुछ पढ़ा होगा तो गुलेरी की कहानी। उसने कहा था, उसका जिक्र खतरे से खाली ना था। प्रेम का दौरा पड़ जाता तो ईदगाह और दो बैलों की कथा में खतरा नहीं था, बल्कि उसके बाद भाई साहब खिताब खूब जमा पर बंदा ज़्यादा ही बैल निकला। उजबक सा मुझे ताका किया तो अनारो दे जान छुड़ाई, हो गया 50 रुपये का घाटा। चल छोड़ कहानी छपेगी तो कमबख्त 200 तो देंगे, महीने भर के आटेदार का बंदोबस्त हुआ समझो। एक बात और, अपने लिए शीरमाल किस खुशी में लाई? मीठा मना है ना, ब्लड शुगर पिछली मरतबा 360 थी कि नहीं? टेनिस विलियम्स के नाटक की लाजवाब अदायगी की खुशी में लाई, तो उससे मतलब बहुत हो गया, अदब का वक्त और जाया ना कर, मैं चली लिखने। अजीब था ना, अच्छी तरह जानते हुए कि टेनिस से विलियम्स गुल की दिमागी रईसी नहीं जरूरत था। मोगरा ने मुझसे बाद में कहा था, मैं ही नहीं सभी उसे भूल चले थे, समझी? यूं हुआ साहित्य जीवन के समकक्ष, उसने अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में जो खुद लिखा, पेशे खिदमत है। लिखने के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं कि ढेर सारा खाली समय हमारे पास हो, रचना हर हाल अपने को लेखक से लिखवा लेती है, बल्कि कभी कभी तो अति व्यस्त माहौल में पूरी की पूरी कहानी मस्तिष्क में कौंध जाती है, वो लिखने बैठने पर कलम की नोक से खुद ब खुद शब्द निकलते चले जाते हैं। दुख में से ही सशक्त रचना जन्म ले, यह भी जरूरी नहीं। जैसे शराबी खुशी में रंज में हर हाल में नशा चाहता है, ऐसे ही लेखन के लिए शर्तिया हालात का होना आवश्यक नहीं। एकांत में बैठकर रचना करने की सुविधा भी हर किसी को प्राप्त नहीं। मेरे उपन्यास अनारू की रचना अति व्यस्त और गुंजान माहौल में हुई थी, जिसमें परिवार की छोटी से छोटी और निरर्थक मांगें भी शामिल थीं। उसे लिखने में अनवरत 3 माह लगे थे और तीनों माह पूरा खाना बनाने के बावजूद भी पतिदेव हर खाने का आधा घंटा पूर्व से पूछना शुरू कर देते थे कि घर में मूली और हरा धनिया है या नहीं। जाने क्यों उन्हें वहम हो गया था कि अब शायद उन्हें अधूरा भोजन ही प्राप्त हो। वह दिन भी खूब याद रहेगा। उस दिन तो सुबह से ही जीना बड़ा मुश्किल लग रहा था। घर में नौकरानी ने छुट्टी कर ली थी, गैस चली गई थी और फ्रिज की भी अकस्मात गैस लीक कर गई। उसके पिघलने से पूर्व खाने पीने की चीज़ें बाहर निकाल कर संभाली। बिजली का बड़ा चूल्हा खराब था। छोटे वाले पर दाल चढ़ाकर मैं सोच रही थी कि और तो जो है सो है, भगवान ऐसे में कोई कहानी ना सूझ जाए। और बिल्कुल वही हुआ। दाल के खदबदाते खदबदाते मोहरा कहानी का केंद्रीय चरित्र, कथ्य और संवाद सब मन में खदबदाने लगे। चावल बनाते बनाते धुंधला सा अंत भी जहन में टिमटिमाने लगा। अब जब तक बच्चे और पति घर आए मैं लिखने में मसरूफ थी। उस रोज दाल में जरूर कसर रह गई थी, पर कहानी मेरे हिसाब से मुकम्मल बनी। आज तक मोहरा कहानी मुझे बेहद प्रिय है। उसमें 2-4 वाक्यांश तो ऐसे हैं कि बार बार पढ़ने पर भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं, पर बच्चे दिनों तक उस रोज चावलों में कनकी और दाल में कसर रहने का पूरा हिसाब याद किए बैठे रहे। वैसा ऐसा भी हुआ कि किसी रोज दाल मुकम्मल बनी और कहानी में कसर रह गई। पढ़कर मेरी और मोगरा की आंखें उसी अंदाज में नम हुई जैसे कहानी पढ़कर होती थी। बेसाख्ता मोगरा से पूछा, तुम्हारे यहाँ सब उपमान शराबियों से देने का क्या चलन है? हटसंगाड़ी तो शराबी, लेखन तो शराबी, उपमाएं भाई इतनी पंचायती किस लिए? मैं कहती जैसे पेटू किसी हाल रंज में खुशी में हराल खा सकता बिला परवाह किए कि दूसरों के लिए बचा या नहीं, वैसे ही लेखक हर हाल लिख सकता है बिला परवाह किए कि दूसरों का क्या हश्र हुआ। दरअसल पेटू और शराबी की फितरत में खास फर्क नहीं है। वाह,
यह परिभाषा पहली मर्तबा सुनी। लेखक हो तुम्हें जानना चाहिए, उसने वार किया। लेखन वह बला है कि कुछ शब्द गहरे अर्थ लिए खुद ब खुद कलम की नोक पर आ जाते हैं, कुछ को इसलिए लाया जाता है कि असलियत पर पर्दा डाल सकें। गुल का यह छोटा सा बयान भी तरतीब मांगता है। यह कि बिजली का बड़ा चूल्हा पिछले 20 बरस से ख़राब था, कि फ्रिज इतना पुराना था कि उसका कोई पुर्जा बाजार में मिलता ना था और आए दिन टै बोलता रहता था, कि बच्चे स्कूल से घर आए थे और पति बाहर से जरूर पर दफ्तर से नहीं, कि नौकरानी बस 2 घंटे को झाड़ू कटका करने आती थी पर उसने उसे चपाती सेंकने के लिए मना लिया था। शादी के शुरुआती सालों की मस्ती के बाद मैके से भी कड़क कैंजी मंदी की आमद पर गुल ने रसोई में घुसना ही नहीं, रोज का खाना बनाना कबूल लिया था। सेवई की खीर और आलू बैंगन की लटपटी सब्जी बेहतरीन बनाती थी, राजमा चावल और फूलगोभी की खिली खिली भाजी भी, पर उसके खूबसूरत हाथों ने चपाती बनाना गवारा न किया, इसलिए हर काम वाली बाई को अलग से 50-60 रुपये दे रोटी सेंकने को तैयार कर लेती थी। नागा करती तो तंदूर था ही। मैं सोचे जा रही थी कि महज 50-60 रुपये माहवार पर गुल कामवाली को रोटी सेंकली तैयार कैसे कर लेती थी। मैं अपनी बाई से कहूं कि यमदूतों के आने से पहले आखिरी बार खानी है, मेहरबानी करके 2 रोटी सेंक दीजिए, तो भी टाइम नहीं है, क्या चल देगी, रहा नहीं गया तो पूछ बैठी। अपनी अपनी शख्सियत है, उसने कहा। गुल ने अपनी कामवाली सोना की तरफ से बेटी के ब्याह का वास्ता देकर भगोड़े पति को ऐसी चिट्ठी लिखी थी कि फौरन बीवी के पहलू में आ खड़ा हुआ था, आ भरकर बोला था, ऐसी चिट्ठी तूने पहले क्यों नहीं लिखी सोना, मैं तुरंत आ जाता। मैं यकीन से कह सकती हूँ मुझसे खत लिखवाती तो फौरन पोल खुल जाती है कि वह उसकी जनानी की नहीं किसी मध्यवर्गीय महिला की इबारत है। दिल्ली पलटने के बजाय शर्तिया पर मुंबई से भी दूर कोची या चेन्नई भाग लेता। मैं लिखती तब भी ऐसा ही होता। गुल की बात और थी, उस जैसा परकाया प्रवेश हर किसी के बूते की बात नहीं थी। फिर शख्सियत की भी हिस्सेदारी रही होगी। जो औरत पासपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड दर्ज करने के बावजूद इमिग्रेशन अफसर को अनार की प्रति थमा लंदन के लिए उड़ान भरने की इजाज़त ले सकती है, उसका मुकाबला मैं या मोगरा नहीं कर सकते थे। बात बहुत बात की है पर जिक्र छिड़ गया तो चलिए पूरा किस्सा सुना डालती हूँ। हुआ यह था कि गुलमोहर के उपन्यास अनारों का जर्मन में अनुवाद हुआ। फ्रैंकफुर्ट पुस्तक मेले में लोकार्पण होना तय हुआ था। उसे वहाँ से बुलावा आया आने जाने के टिकट के साथ। हाथ में इतना रुपया पैसा होता नहीं था कि अपने खर्चे पर परदेश घूमने की कुव्वत हो, इसलिए दावतनामे का मिलना नेमत माना गया। अरसा पहले एक बार फ्रांस जाने का न्योता मिला था पर मोहब्बत के मारे गुल ने ना जाने का फैसला किया था। तभी उस अहमकाना फैसले के बदलने की उम्मीद में बैजनाथ ने पासपोर्ट बनवा रखा था। अब वीजा बनवा गुल बड़े ठाट बाट से हवाई अड्डे रवाना हुई। इमिग्रेशन पर पहुंचते ही सारी फूंक निकल गई। किस्मत की माँ, ऐसा नाम और आज ट्रैवल एजेंट माथे मड़ा गया था कि उसने यह तक देखने की जहमत ना उठाई थी कि पासपोर्ट पर कहीं इमिग्रेशन रिक्वायर्ड तो नहीं लिखा। उसका भी क्या कुछ गुरु, वह बंदे सुन हजरात के लिए थी जो बेरोजगार होते और वहाँ पहुँचने पर नाजायज तौर पर वहीं के हो रहते। कहाँ वे और कहाँ अपनी बेमिसाल अदीब गुलमोहर जैन। वह लैला तो बहुत समझो, किसी तरह 2 हफ्तों को सनम को अकेले छोड़ देश बेगाने जाने को राजी हुई थी, वरना जिस सबब फ्रांस से मुंह मोड़ा था वह अब भी मौजूद था। फर्क आया था तो यह कि अब सनम के साथ अदब भी हाथ धो पीछे पड़ गया था। इमिग्रेशन अफसर उसका चचा तो था नहीं कि वह सिफत जाने रहता, वह तो गुल की शख्सियत का कमाल था कि एक अनजान बंदा चचा और आशिक से आगे बढ़कर हमदर्द बन बैठा है। इस कदर कि एक प्रति अनार ले उसे जहाज पर सवार हो परदेश जाने दिया। गुल ने कहा तो सिर्फ इतना, यह देखी फेरिस्त मेरी किताबों की और यह दवाइयों की, आज निकल गई तो निकल गई, जिंदगी
सर्दियां इतने लम्हे और नहीं बख्शेगी दोबारा बाहर जाने का सर अंजाम जुटे। मानकर चलें कि जो अनारों की कहानी वही मेरी और मेरे जैसे हिंदी के हर अदीब की। बंदे ने किताब के पहले पन्ने के शुरुआती जुमले पढ़े और इतना जज्बाती हो रहा कि बोला, इत्मीनान से जाइए पर लौट आने पर खबर जरूर कीजिएगा। क्यों? गुलमोहर बोली, अब भी आपको एतबार ना हुआ हमारा कि माना रहे फ्रैंकफुर्ट में पर खाएंगे क्या? नहीं, वह बात नहीं है, वह शर्मिंदा बोला, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तब तक अनारों को जान लूंगा और आपसे लंदन पर गुफ्तगू का मजा लूंगा। जाहिर है जर्मन प्रकाशक ने गुल का टिकट हिंदुस्तानियों के मक्का मदीना लंदन को ध्यान में रख वहां की मार्फत बनवाया था। बेचारा अजनबी हमदर्द, इतनी छूट लाजिम थी कि कम अज कम मंजिल हयात पर गुफ्तगू का तरफगार हो। यूं अपनी शख्सियत की बिना पर अनजान अफसर को चचा और आशिक के आगे की शय। हमदर्द तजवीज कर गुल गधा कानून को गधा साबित कर परदेश रवाना हो गई। अदब का ऐसा नायाब इस्तेमाल हमारे आपके बस का कहाँ होना था। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश द्विवेदी जी इस रोचक प्रस्तुति के लिए, मिलजुल मन उपन्यास के इन रोचक खंडों को हमारे साथ, रोचक अंशों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम मित्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे मित्र तरुणेश्वर निखिल जी लिख रहे हैं, कितना रोचक है, पूरा उपन्यास पढ़ने की जिज्ञासा को तीव्र करता हुआ। चंद्रकला त्रिपाठी जी लिख रही हैं, कितना जीवंत और विनोदपूर्ण। और इसी तरह अमरजीत यादव जी का और डॉक्टर मधु छंदा चक्रवर्ती जी का, अशोक पांडे जी का, इन सभी की राय हमें प्राप्त हो रही है। स्वयं हमारे साथ इस उपन्यास की सर्जक मृदुला गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, जो सर्जक भी हैं और इस कथा का एक किरदार भी। बहुत ही रोचक आत्मकथात्मक उपन्यास। अजय शॉ जी जुड़े हुए हैं, सनोवर नासी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कुछ एक मित्रों के नाम मैं और लूंगा, सविता सिंह जी, ब्रह्मेश तिवारी जी, मधु काकरिया जी, विकास गुप्ता जी, संगीता गुप्ता जी, हिरण्य हेमकर जी, सुधांशु गुप्त जी और तमाम लोग। मित्रों, यही मुझे लगता है कि एक किसी एकाग्र का यही चार्म है कि वहाँ रचनाएं भी आए, रचनाकार भी आए, उस पर बातचीत भी हो और अलग अलग कृतियों में अगर उस पर कुछ लिखा गया है, किसी भी विधा में, उपन्यास की विधा में जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले सुना, या डायरी विधा में, या आत्मकथा किसी विधा में, तो उसका अपना एक आनंद होता है और इससे वह कृति भी पुनः लोगों तक पहुंचती है, कुछ और नए लोगों तक और पुराने लोगों तक कुछ नए रूप में भी पहुंचती है। मृदुला जी ठीक ही लिख रही हैं, यह मंजुल की असलियत है, उसकी जिंदगी। बिल्कुल, हम सभी सहमत हैं। और मित्रों, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और जब इस उपन्यास की बात हुई है, मिलजुल मन की, जितना सुंदर यह नाम रखा है मृदुला गर्ग जी ने, यह कथा भी उतनी ही प्यारी है, इसका गद्य भी उतना ही रोचक है। मिलजुल मन जैसे हम सभी के एक बृहत साझेपन को सामने लाने की कोशिश करता हुआ एक लेखकीय उपक्रम। अपनी आलोचनात्मक पुस्तक 21वीं शती का हिंदी उपन्यास में पुष्पपाल सिंह जी ने, जाने माने आलोचक संपादक पुष्पपाल सिंह जी ने, इस
किताब पर विचार किया है, अपनी इसी पुस्तक में 21वीं शती का हिंदी उपन्यास। मैं कुछ एक अंश यहाँ पढ़ता हूँ। पुष्पाल जी जो हमारे आलोचक हुए, पुष्पाल सिंह जी, वे क्या इसके बारे में सोचते हैं। उन्होंने अपने इस आलेख का शीर्षक दिया है, मिलजुल मन नए शिल्प में ढली आत्मकथा। आगे सुनिए वो क्या लिखते हैं, मैं शुरुआत से ही पढ़ता हूं। 21वीं शती का हिंदी उपन्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उपन्यास के शैल्पिक ढांचे में बड़े कौशल से नई तोड़फोड़ हुई है और उसका अभिनव रूप तरह तरह से आकर्षक बन सका है। नई शती की शुरुआत में ही कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान, काशीनाथ सिंह ने काशी का 80 से उपन्यास का शिल्प परिवर्तन करने की जो शुरुआत की थी, उसे अलका सराबगी, अनामिका, हरिचरण प्रकाश, अशोक भौमिक, विभूति नारायण राय, रणेंद्र आदि ने अपने नए शैल्पिक प्रयोगों से इस विधा को एक सर्वथा नया और लचीला रूप प्रदान किया। अब मृदुला गर्ग ने अपने आत्मकथात्मक उपन्यास मिलजुल मन में औपन्यासिक ढांचे में एक नया प्रयोग किया है, जिसमें उनकी स्वजीवनी उपन्यास और आत्मकथा की विधाओं में आवाजाही करती है। मैं कुछ अंश और पढ़ता हूं। इधर हिंदी में आत्मकथाओं संस्मरणों का दौर, किसी सीमा तक बुखार भी इसे कहा जा सकता है, वे लोग भी आत्मकथा डायरियां लिख रहे हैं जो अभी साहित्य में भली प्रकार पहचान भी स्थापित नहीं करा पाए। नहीं वे कोई शोभा धर्मी व्यक्तित्व सेलिब्रिटी स्टेटस में हैं कि सामान्य पाठक की उनके व्यक्तित्व में रुचि हो। पता नहीं प्रकाशकों की रुचि उनमें क्यों जगी। कुछ महती व्यक्तित्व तो 510-20 पृष्ठों के रूप में आत्मकथाओं का बोझ हिंदी संसार पर डाल रहे हैं। यहां आलोचक चुटकी लेता है। खैर वे आगे लिखते हैं पुष्पपाल सिंह जी, विशेषतः साहित्य के दो, खैर छोड़िए इसको, आगे पढ़ते हैं, हम सीधे मिलजुल मन पे आते हैं। वे लिखते हैं, मिलजुल मन इस रूप में एक व्यवस्थित आत्मकथा नहीं है जिसमें लेखकीय व्यक्तित्व समग्रता में उद्घाटित होता हो। इसे संस्मरण धर्मा आत्मवृत्त कहा जा सकता है, जिसमें कुछ जीवन प्रसंगों को केंद्र में रखकर स्वजीवन उद्घाटित किया जा रहा है, किंतु लेखिका की मंशा इसे उपन्यास रूप में प्रस्तुत करने की रही है। पुस्तक का भीतरी मुख्य पृष्ठ इसे उपन्यास ही घोषित करता है। आगे वे इसके गद्य पर बात करते हैं, अपने उत्फुल्ल उल्लासपूर्ण गद्य शैली के खिलंदड़ेपन और नई शैल्पिक युक्तियों से सृजित किस्सागोई के कारण यह आत्मवृत्त अत्यंत पठनीय हो जाता है। वस्तुतः यह अकेली मृदुला गर्ग की ही जीवन कथा नहीं है, इसमें उनकी बहन मंजुल भगत की भी उपस्थिति उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से, महत्वपूर्ण रूप में आद्यंत बनी रहती है। दोनों बहनों की उपस्थिति को एक बिल्कुल नए अंदाज में दो काल्पनिक नाम रखकर गुलमोहर उर्फ गुल मंजुल भगत तथा मोगरा मृदुला गर्ग की कथा कही गई है, किंतु दो प्रसिद्ध लेखिकाओं को दिया गया नामों का यह निर्मोक अधिक दूर तक साथ नहीं चल पाता। उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति थोड़ी देर में ही पता चल जाती है। लेखिका को भी इस बात का एहसास है। फिर वो कोट करते हैं इस उपन्यास से, फिर मोगरा और मैं मिलकर हंसे, लेखक किरदार का फर्क मिट गया, अनकोट।
इन दोनों के संवादों में जो युक्तियां प्रविधियां लेखिका अपनाती हैं, उससे इस आत्मवृत्त में किस्सा गोई का नायाब गुण भरपूर रूप में आया है। किस्सा दर किस्सा बयान होता चला जाता है पाठक को अपने प्रवाह में लिए हुए। खालिस पिताजी की कथा सुनकर गुल ऐतराज उठाती है तो मोगरा फिलहाल यही सही। अपनी बात अगली मुलाकात में कहकर आगे अपनी कथा युक्ति का खुलासा इस प्रकार करती है, कोट, इसलिए मैंने तय किया है कि बीच बीच में बकलम लेखक मोगरा की मदद करती चलूंगी। उसके दो फायदे होंगे, एक तरफ मोगरा की जुबानी पोशीदा बातों का जिक्र आप तक पहुंचता रहेगा, दूसरी तरफ जब जहां वह असलियत को राज बनाएगी मैं उसे अफल कर दूंगी। यकीन मानिए वह जान बूझ कर नहीं छिपाएगी। अनकोट। कुछ भी न छिपाने की इस प्रतिबद्धता का निर्वाह पुस्तक में आद्यंत किया गया है। लेखिका दोनों बहनों के जिन जीवन प्रसंगों को उठाती हैं पूरी ईमानदारी और साफ गोई से उनका बयान किया गया है। किस्सा दर किस्सा बयान करते हुए पाठक में ऐसी ही समोत्सुकता जगाए रखती हैं जैसी मोगरा में है। चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कोट कर रहा हूं, जिस प्रकार किस्सा तोता मैना या सहस्र रजनी चरित्र में पिछली कथा से अगली कथा का सूत्र निकलता है, वैसा ही प्रत्येक अध्याय के अंत में यहां होता है। एक बार खैर छोड़ो, जुग्गी चाचा का किस्सा मोगरा बेहतर सुनाएगी। ऐसी कई पंक्तियां पुष्पाल सिंह जी अपने इस आलेख में कोट करते हैं। ऐसी एक पंक्ति और है, कोट करता हूं, मैं कॉलेज का किस्सा बयान कर रही थी, तुम जबरन शादी ब्याह पर जा पहुंची। अब सब्र करो, वक्त आने पर कहूंगी, फिलहाल सुनो मसूरी की कहानी मेरी जुबानी। अनकोट। आलोचक लिखते हैं कि मिलजुल मन की आकर्षक पठनीयता का बहुत बड़ा घटक उसकी खिलंदड़ी भाषा शैली है, जिसमें बहुत बिंदास ढंग से उन्होंने अपने मन की बातें विभिन्न कथा युक्तियों के प्रयोग से कही है। बड़े कौशल से लेखिका ने कथा सूत्रों को संवार कर कभी गुल की ओर रुख किया है तो कभी मोगरा की ओर मोड़ लेती है। वह मोगरा यानी स्वयं मृदुला गर्ग। एक और पंक्तियां वे कोट करते हैं, एक एक मिनट तुमने कहा था अगली खेप में सिर्फ अपनी बात कहोगी, फिर गुल को क्यों ले बैठी, सुनो तो दिलचस्प वाकया बयान करूंगी, मुझे नहीं सुनना अपनी कहो, इतना तो कह चुकी। अनकोट। इस प्रकार यह आत्मवृत्त कभी गुल मंजुल भगत पर जाकर रुकता है तो कभी मोगरा मृदुला गर्ग पर, किंतु कभी कभी लगने लगता है कि यह जीवनी मृदुला गर्ग से अधिक मंजुल भगत की होती जा रही है, वही उपन्यास के केंद्र में आ जाती है। शायद लेखिका को भी इसका भान है, तभी तो उसे भगा उठती है। कोट, मेरी नहीं गुल की कहानी, कहानी जो है गुल की है, मैं सिर्फ परछाई हूं, मैं सिर्फ परछाई हूं। अनकोट। तो मित्रों, यह जो जिस तरह से और जिस आत्मीयता के साथ मृदुला जी यह बात अपने इस उपन्यास में लिखती हूं कि जो कहानी है गुल की है मंजुल की है, मैं तो उसकी परछाई हूं, बहुत बड़ी बात है। दो स्वतंत्र लेखक किस तरह एक दूसरे के साथ ताउम्र बने रहते हैं, बहुत बड़ी बात। और इन दोनों के बहनापे पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अभी पिछली कड़ी में उनकी कहानी सुनाते हुए, मंजुल भगत की एक कहानी सुनाते हुए मृदुला जी ने कुछ एक बातें कही थी। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी और कड़ी में
हम मंजुल भगत जैसे जुड़े उनके संस्मरणों को भी सुन सकें। पुष्पाल सिंह जी का मिलजुल मंजे पर लिखा यह आलेख कुछ लंबा है, मैंने कुछ एक अंश यहाँ पर रखे क्योंकि उद्देश्य तो हमारा यही है कि किसी एकाग्र के बहाने अलग अलग कृतियों पर, अलग अलग व्यक्तित्वों पर चर्चा हो सके। आज के लिए इतना ही, कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।